इस दिवाली बनाएं ये मजेदार सी सब्जी, मशरूम टिक्का मसाला। वैसे तो मशरूम ऐसी चीज होती है जिसे कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोगों को नहीं पसंद आती है, पर अगर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करोगे ना तो यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आने वाली है। वैसे तो मशरूम जो होती है ना, उसको जो भी आप टेस्ट दोगे ना, उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वैसे ही रेसिपी शुरू करने के पहले, यदि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ हमने 4 चम्मच दही लिया है, फिर उसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और कुछ कटे हुए पुदीना, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, फिर नींबू का रस डालना है, थोड़ा सा गरम मसाला और 1 टीस्पून सॉल्ट। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसके बाद 1.5 चम्मच हमें बेसन डालना है, यदि आप चाहो तो इसमें सत्तू भी डाल सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। फिर जो हमने मशरूम ऑलरेडी धो करके साफ करके रखे थे उसको इसमें डाल करके मिला लेंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। फिर इधर हम एक कढ़ाई लेंगे और इस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला, फिर थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा लौंग डालेंगे और 1 बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और दालचीनी। अब जब हमारा थोड़ा सा वो रोस्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमने यहाँ चॉप्ड प्याज भी लिया है, यदि आप चाहो तो पिसा हुआ प्याज भी यूज़ करते हो कर सकते हो, पर यहाँ मैंने चॉप्ड प्याज लिया है, मुझे ऐसे ही पसंद आती है। इसके बाद हम 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, फिर इसे भी सॉटे होने देंगे। अब थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर और हल्दी। और याद रखिए इन मसालों को डालने के पहले, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है ना वो जब मैरिनेट किया है वो मशरूम को, तो उसमें भी हमने मसाला डाला है, तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें इसमें मसाला डालना है। अब इसमें चॉप जो है टमाटर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल करके इसे कवर करके रख देंगे। जब तक हमारा टमाटर पक रहा है, इधर हम मैरिनेट किया हुआ मशरूम है उसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई कर लेंगे और जब तक हमारा मशरूम फ्राई हो रहा है, इधर हम दूध की मलाई लेंगे और उसमें 8 से 10 जो है हम काजू डाल करके उसे भी एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारा टमाटर गल गया है, इसमें जो है ना जो हमने मशरूम फ्राई किया था उस मशरूम को इसमें डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा चलाने के बाद से जो हमने काजू और मलाई का पेस्ट बनाया था उसे भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे पकाते हुए एटलीस्ट 2-3 मिनट इसे भी हमें ऐसे ही पकाना है। फिर इसे कवर करके हम एक उबाल आने का वेट करेंगे। ये देखिए हमारा मशरूम टिक्का मसाला बिल्कुल तैयार हो गया, कितना यमी दिख रहा है ना, बहुत ही टैम्पटिंग लग रहा है। अब इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे क्रश करके, फिर इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब ऊपर से हम हरा धनिया डालेंगे और इसे भी मिला लेंगे। ये वाकई में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखना और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। यदि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।